अलैकुम, मुझे अस्मा शेख कहते हैं और मैंने रिसेंटली फसी दुबई दुबई यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया है। और जैसे कि अगर आपने वीडियो देखी होगी कल, जो भी फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चल गया होगा कि अब हम लेडीज़ पे काम शुरू कर रहे हैं, हम गर्ल्स पे काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फसी को कि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो गर्ल्स के लिए वो फाइनली स्टार्ट हो गई है। और सेकंड मैं ये सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो जो लोग जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया, उन लोगों को भी मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशली ये मेंशन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पसंद किया, तो हम फाइनली हम रिसेंटली वाकई ही लड़कियों के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कि कल भी बात बताया था आपको वीडियो में, कल की वीडियो में, कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स हैं या लड़कियां जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, एशियन गर्ल्स हैं जो कि यूएई आना चाहती हैं, बट दे आर रिलक्टेंट, दे आर हेजिटेंट, वो घबराती हैं और वो ये सोचती हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या है, दुबई जाना बहुत मुश्किल है, दुबई जाके काम करना कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, घबराहट है, उनको समझ नहीं आ रही है, उनको मतलब वो मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, हालांकि वो एजुकेटेड हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है माशाल्लाह से, उनके पास इतनी इतनी एजुकेशन है, डबल डबल मास्टर्स हैं, बट दे आर सर्विंग इन प्राइवेट स्कूल्स और दे आर हार्डली टेकिंग 10,000, 7,000, 8,000, मतलब इसके राउंड अबाउट, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्कूलों में अगर जॉब कर रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 या 17, 18,000 सैलरी ले रही हैं, ठीक है। मेरे कहने का ये मकसद है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तनकीद नहीं कर रही कि जी आप पाकिस्तान में ही रह के सर्व कर रही हैं तो आपको कम सैलरी मिल रही है, नहीं। मैं मेरा कहने का, मेरी आपको मोटिवेशन दिलाने का मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि कल भी फसी भाई ने कहा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं कम्पीट कर सकते, हम इंटरनेशनल मार्केट में हमें कम्पीट करना है, हमारे अंदर गट्स हैं, हमारे अंदर हम सुपर्ब हैं, हम अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया, ठीक है, अल्लाह ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। किसी लड़की के अंदर क्वालिटी है कि वो टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती है, किसी के अंदर क्वालिटी है कि वो कस्टमर बहुत अच्छे डील कर सकती है, किसी में ये क्वालिटी है कि वो रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी बन सकती है, किसी में क्वालिटी है कि वो ऑफिस वर्क बहुत अच्छा कर सकती है, कोई बैंकर बहुत अच्छी है, कोई लॉयर बहुत अच्छी है, कोई डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो वो लड़कियां मोस्टली यहाँ पे हैं जिनके हस्बैंड, यानी कि शादी हुई हस्बैंड के साथ आ गई और यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं या प्रॉब्लम्स में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, मैरिड हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, सफर कर रही हैं, अपनी जिंदगी को घसीट रही हैं। प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हालात को बदलें। जब आप अपने हालात को बदलेंगे, खुद बदलेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। तो आज मेरी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये गाइड करूंगी कि कोई भी लड़की है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो सबसे पहले, पहला स्टेप क्या है कि आप अपना पहले पासपोर्ट, जाहिर बात है सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट की जरूरत है, आप अपना पासपोर्ट लें, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। सेकेंडली पासपोर्ट आपका हो जाता है, उसके बाद आप अपनी सारी जो डिग्रीज हैं, ठीक है, उन डिग्रीज को आपने, आपका अटेस्टेशन प्रोसेस होना चाहिए, सेकेंड स्टेप आपका अटेस्टेशन प्रोसेस है। तो आज मैं पहले दो स्टेप बताऊंगी किसी भी लड़की को जो यूएई आना चाहती है और जो मोटिवेटेड है आने के लिए। अगर पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सेकंड स्टेप क्या, पासपोर्ट है तो, सॉरी नहीं है तो वो